नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। श्री रामलीला कमेटी बड़घाट में 11वें दिन रामलीला में लंका दहन का मंचन किया गया, जिसमें भगवान राम हनुमान को माता सीता का पता लगाने के लिए लंका भेजते हैं। रास्ते में संपाती नाम का गिद्ध से हनुमान जी को बताया कि माता सीता लंका में हैं, जिनको रावण हरण करके ले गया है। हनुमान जी ने छलांग लगाया और लंका की तरफ प्रस्थान किया और मुख द्वार पर पहुंचकर विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए लंका में प्रयास किया, जिसके लिए उनको लंकिनी से युद्ध भी करना पड़ा। उसको पराजित करने के बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। वहां पर उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि माता सीता गीता वाटिका में हैं। वहां पर पहुंचकर माता सीता से मिलकर उनको भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी को देते हुए हैं और अपना परिचय देते हैं कि मैं भगवान राम का सेवक हनुमान हूं। उसके बाद हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आपके आज्ञा हो तो फल खा ले। जिसके बाद हनुमान जी पूरे गीता वाटिका में उत्पात मचा देते हैं और कुछ राक्षसों का वध कर देते हैं। उसके बाद मेघनाथ आता है, हनुमान जी को बंधक बनाकर ले जाता है, जहां पर लंका के दरबार में रावण के निर्देश में हनुमान जी की पूछ में आग लगा दिया जाता है। उसके बाद हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा देते हैं। इस दृश्य को देखकर सभी नागरिक जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, गणेश वर्मा, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये सुंदर भगवान राम की लीला का मंचन हो रहा है। इस मंच से हमारे सराफा मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष गणेश वर्मा जी, हमारे मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, रामलीला कमेटी से जुड़े हुए सभी हमारे सम्माननीय पदाधिकारीगण, इस शहर के प्रमुख सर्जन डॉक्टर शिवशंकर शाही जी, यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, सम्मानित नागरिक बंधुओं, सचमुच रामलीला का इतना सुंदर मंचन और बीच में मैं गणेश जी से वही कह रहा था, बीच में रामलीला और आपके बीच में यहाँ भाषण का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो तीन बातें कहते हुए भगवान राम की लीला तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस में लिखा, अगर भगवान राम की उस लीला से थोड़ा भी अपने जीवन में कोई सीख ले तो मनुष्य का जीवन बदल सकता है। आज छोटी छोटी संपत्ति के विवाद में भाई भाई की हत्या कर देता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजगद्दी मिली थी और दूसरे दिन हो गया कि उन्हें बन जाना है। राजगद्दी मिलने का, सिंहासन मिलने का
उनको बहुत खुशी नहीं थी, लेकिन अपने पिता की आज्ञा पाकर के बन जाने का गम भी नहीं था। और इस बात को सुनकर के कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और भरत को राजगद्दी हो गई, लक्ष्मण जी जब इस बात को सुनते हैं तो लक्ष्मण जी कुपित हो जाते हैं और कुपित होकर के महाराज दशरथ को कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं।